असलम एवरी वन वेलकम टू Medical मेडिकल एजुकेशन आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ दी हार्ट हमारा हार्ट पम्पिंग ऑर्गन है सो so, इसमें ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है सो so, ये जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है तो उसमें जो कंडक्शन का फिनोमिना होता है इम्पल्स जनरेट होती हैं सो so, वो कैसे जनरेट होती हैं किस सोर्स से जनरेट होती हैं और कैसे कैसे कंडक्ट होती हैं ठीक है सो so, इसमें वो सारा का सारा हम देखेंगे So conducting system of the heart is made up of myocardium स्पेशलाइज फॉर इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ कार्डिक इम्पल्स मीन जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का वो भी किससे बना होता है मायोकार्डियम से बना होता है? है हमारे पास हार्ट की थ्री लेयर्स होती हैं एपिकार्डियम मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम जो मायोकार्डियम होती है उसमें मस्कुलेचर ऑफ दी हार्ट होता है मस्कुलर फाइबर्स होते हैं मीन जो कार्डिक मसल्स हैं वो होते हैं सो so, उसी से ही माओकार्डियम से ही हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट बनता है जो किस में स्पेशलाइज रोल प्ले करता है इनिशिएशन एंड कंडक्टिंग मीन वही पल्सिस को स्टार्ट भी करवाता है और उनको देन कंडक्ट भी करवाता है इट्स फाइबर्स आर फाइनर देन अदर मायोकार्डियल फाइबर्स मीन हार्ट का जो पूरा पूरा मस्कुलेचर है वो इन्हीं कार्डिक मसल से बना है मायोकार्डियम लेयर से ही बना है बट जो कंडक्टिंग सिस्टम के लिए कुछ फ़ाइबर्स हैं कुछ स्पेशलाइज फाइबर्स हैं वो ज़्यादा फाइनर होते हैं देन दी अदर मायकार्डियल फ़ाइबर्स क्योंकि इन्होंने कंडक्शन का काम करना होता है इनका एक्टिव फंक्शन होता है सो ये ज़्यादा फाइनर होते हैं देन दायो अदर मायोकार्डियल फ़ाइबर्स ठीक है सो so, ये हमने देख लिया कि हमारे पास बनता कैसे है उसके देन कुछ कॉम्पोनेंट्स आते हैं देन हमारे पास ये कंडक्टिंग सिस्टम कंप्लीट होता है जिसमें सबसे पहले आता है एस ए नोड देन ए वी नोड उसके बाद आता है बंडल ऑफ हिस और दी ए वी बंडल देन वो डिवाइड होकर राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच में चला जाता है और पुरजी फाइबर्स ठीक है टोटल हमारे पास ये सिक्स कॉम्पोनेंट्स या फाइव कॉम्पोनेंट्स कह सकते हैं इन दोनों को एक कॉम्पोनेंट कंसिडर कर सकते हैं ठीक है थीके? सो so, सबसे पहले आता है साइनो एट्रियल नोड और दी एस ए नोड साइनो एट्रियल एस फोर साइनो ए फोर एट्रियल साइनो एट्रियल नोड ये हमारे पास क्या होता है पेस मेकर होता है हार्ट का इसको हम नेचुरल पेस मेकर ऑफ दी हार्ट भी बोलते हैं सो so, ये इस यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है एट्रियो केवल जंक्शन पे ये है सुपीरियर वेना कहवा दिस इज इन्फीरियर वेना कहवा हेर इज़ राइट एट्रियम दिस इज़ राइट वेंट्रिकल दिस इज लेफ्ट atrium, this दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल और ये क्या है आर्च ऑफ एटा और ये है पलमनरी ट्रंक सो सबसे पहले एस ए नोड में देख लेते हैं कि ये कैसे जनरेट करता है इट जनरेट सी बात है कि जब हमारे पास कंडक्टिंग सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है एस ए नोड है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या प्ले करेगा उसकी प्रोडक्शन में मीन सबसे पहले उसने इनिशिएट करवाना है देन कंडक्ट करवाना है मीन सबसे पहले उसको इम्पल्स को वहाँ पर प्रोड्यूस करवाना होगा ये क्या करेगा जनरेट करेगा जनरेट इम्पल्सिस एट द रेट ऑफ सेवनटी टू हंड्रेड बीट्स पर मिनट मीन सेवेंटी टू हंड्रेड बीट्स पर मिनट्स के हिसाब से ये क्या करता है इम्पल्सिस को जनरेट करता है एंड इनिशिएट हार्ट बीट मीन जो हमारी हार्ट बीट स्टार्ट होती है वो स्टार्ट कौन करता है ये वाला पेस मेकर एस नोट ठीक है, है? है इसकी इसकी शेप शेप कैसे होती होती थोड़ा सा इस तरह से िस अपना सल्कस टर्मिनालिस का वर्ड याद कर लेना सल्कस टर्मिनालिस हमने राइट right एट्रियो में देखा था ये एक ग्रूफ होती है जो सुपीरियर वेना के के Uh, जो लोअर पार्ट है वहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक हमारे पास इन्फीरियर वेना कैवा के, के अपर पार्ट तक आता है मीन एक ग्रूव लाइक -like स्ट्रक्चर होता है सल्कस होता है इन द आउटर साइड ऑफ द राइट एट्रियम सो वो जो हमारे पास सल्कस टर्मिनालिस है उसका भी अपर पार्ट लें तो फिर हमारे पास क्या होता है एस नोड एट द ए ट्रीओ मीन जहाँ पर एट्रियम का सुपीरियर वेना कैवा के, के साथ जंक्शन है वहाँ पर प्रेजेंट होता है एस नोड और ये क्या करता है इट्स इम्पल्सिस ट्रेवल एट्रीअल वॉल टू दी एवी नोड देन इसका सेकेंड कॉम्पोनेंट जो कंडक्टिंग सिस्टम का है एवी नोड वहां तक इसकी हमारे पास इंपल्सिस जाती है मीन ये इम्पल्सिस को प्रोड्यूस करवा कर, कर कहाँ तक भेजता है एवी नोड दिस इज एस ए नोड दिस इज ए वी नोड ठीक है अब देख लेते हैं एवी नोड को जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है एट्रियोवेंट्रिक्युलर नोड और दी एवी नोड इट इज सिचुएटेड इन दी लोअर एंड द डोर्सल पार्ट ऑफ एट्रियल सेप्टम जस्ट अबव ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस मीन ये कहाँ पर होता है डोर्सली प्रेजेंट होता है एट्रियल सेप्टम है वहाँ पर ये हमारे पास लोकेट करता है ठीक है यहाँ पर जस्ट अबव और कोरोनरी साइनस की ओपनिंग के अबव कैपेबल ऑफ़ जनरेटिंग इम्पल्सिस एट रेट ऑफ फोर्टी टू सिक्सटी बीट्स पर मिनट इसकी जो जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है ये ऐसे नोड से कम होती है कितनी होती है फोर्टी टू सिक्सटी देन ए वी नोड के बाद हमारे पास थर्ड कॉम्पोनेंट आ जाता है ये वाला इतना पार्ट जिसको हम बोलते हैं ए वी बंडल एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल और द बंडल ऑफ हिस्स इसके टू नेम हैं एट्रियोवेंट्रीगुलर बंडल ए वी बंडल और दी बंडल ऑफ हिस मीन ए वी नोड के बाद जो हमारे पास बंडल आ रहा है वी फाइबर्स का दिस इज बंडल ऑफ हिस ठीक है इतना पार्ट ये क्या होता है इट इज़ ओनली कनेक्शन बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल मीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल के दरमियान का जो ओनली कनेक्शन है वो ए वी बंडल है ये क्या करता है डिसेंस अलोंग पोस्टीरो इंफीरियर ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम मीन वेंट्री वेंट्रिक्यूलर जो सेप्टम है उसके पोस्टीरो इन्फीरियर हमारे पास ये डिसेंड डाउन करता है ठीक है किस तरह से पोस्टीरो इन्फीरियर एंड इन दी अपर पार्ट डिवाइड इनटू राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच और यहाँ पर मीन सेप्टम के दरमियान अपर पार्ट में ये किस में डिवाइड हो जाता है राइट एंड लेफ्ट ब्रांच ठीक है दिस इज द राइट साइड दिस इज द लेफ्ट साइड सो एवी बंडल किस में डिवाइड हो गया राइट right ब्रांच में और लेफ्ट ब्रांच में ठीक है दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड सो ये जो ब्रांच है देन टू में डिवाइड होकर राइट एंड लेफ्ट ब्रांच में चला गया अब उसको देख लेते हैं सबसे पहले आती है राइट ब्रांच राइट ब्रांच पास डाउन इन राइट साइड ऑफ द इंटर सेप्टम जो दो वेंट्रिकल के दरम्यान सेप्टम होता है वो होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और ये जो सेप्टम है इसके ये क्या हो जाएगी इसके राइट साइड को हो जाएगी मीन राइट वॉल के साथ होकर राइट वेंट्रिकल की तरफ चले जाएगी ठीक है एंड एंटर मोडरेटर बैंड एंड डिवाइड इनटू पुरकंजी फाइबर देन फर्दर ये फाइबर्स में डिवाइड हो जाता है और उनका नेम है हमारे पास पुरकजी फाइबर दिस इज एस एन और दिस इज एवी नोट दिस इज बंडल ऑफ हिज दिज आर द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच और ये फर्दर जो छोटी छोटी फाइबर्स हैं पिलगजेज हैं ये हैं हमारे पास पुरकंजी फाइबर्स ये तो इतना हो गया राइट उसकी फर्दर फाइबर्स होगी अब देख लेते हैं लेफ्ट साइड को ठीक है लेफ्ट साइड में क्या करता है सेम वैसे ही डिसेंड्स टू दी लेफ्ट साइड ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जैसे वो राइट साइड को गया था इसी तरह इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की लेफ्ट साइड को चले जाएगा बंडल ऑफ हिज ये जो ब्रांच है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डिवाइड इन टू पुरकंजी फाइबर सेम वैसे ही अब ये चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल को और पुरकंजी फाइबर्स में डिवाइड हो जाएगा फर्दर जो फाइन छोटी ब्रांचेस हैं पुरकजी फाइबर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं उसको देख लेते हैं पुरकंजी फाइबर्स फॉर्म सब एंडोकार्डियल प्लगज मीन फर्दर डीपली जाते हुए जो एंडोकार्डियल लेयर है जो इनर मोस्ट लेयर है उसमें प्लगज बना देता है एंड पोजेस डबल न्यूक्लियाई इसके जो फाइबर्स हैं उसके अंदर डबल न्यूक्लियस होता है एंड जनरेट इम्पल्सिस एट द रेट ऑफ ट्वेंटी टू थर्टी फाइव बीड्स पर मिनट और ये कितनी बीट्स या इम्पल्सिस जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है ट्वेंटी टू थर्टी फाइव सबसे ज़्यादा कौन जनरेट करता है एस ए नोड ठीक है एस ए नोड के बाद दूसरे नंबर पर आता है ए वी नोट जो कि फोर्टी टू सिक्सटी बीट्स पर मिनट के रेट पर जनरेट करता है ठीक है देन हमारे पास एंड पे है पुरकेंजी फाइबर्स जो ट्वेंटी टू थर्टी फाइव बीट्स पर मिनट की जो रेट पे है हमारे पास इम्पल्सिस को जनरेट करता है दिस इज़ एस ए नोड दिस इज एवी नोड इतना पार्ट क्या है बंडल ऑफ हिस और ये है राइट ब्रांच दिस इज़ लेफ्ट ब्रांच और फर्दर ये जो है जो इस तरह से बारीक सा प्लगज टाइप नेटवर्क बनाते हैं वो है हमारे पास पुरकेंजी फाइबर्स और ये वेंट्रिकल्स की वॉल्स के साथ पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में हार्ट के स्ट्रक्चर में ये इसको कवर करता है और हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इंपल्सिस को जनरेट करवाता है और ये हमारे पास क्या है सारा का सारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग